हजरत गरामी जरा तवज्जो चाना कायनात लियो जेड़ा खड़ीदा ताजदारे ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है जेड़ा सारे कश्मीर दा सरदार है ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है जिन्ना ते दरवाजे उतो कदे कोई सवाली खाली नहीं मुड़िया ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है जेड़ा एक दमड़ी दा तोहफा लेके करोड़ा देंदा है ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है जेड़ा बादशाहां दा पीरे ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है। ताजदारे खड़ी हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्ला अलैह आप दे पीरो मुर्शिद शहनशाह विलायत इमामुल औलिया हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार। मैं आप दी सीरत करामात दे हवाले नल गुफ्तगु करनी है। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआए अल्लाह हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए ते इन्ना नेक हस्तियां दे नक्शे कदम ते चलन दी भी तौफीक अता फरमाए। हजरात दमड़ी वाली सरकार जिन्ना दे मुतलक रूमी कश्मीर हजरत मियां साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पीर मेरा ओ दमड़ी वाला पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करदा तू आ जहाना अंदर। आप दा नामे नामी इसमें ग्रामी असल विच पीर शाह सी लेकिन इलाकाई जुबान दी वजह तू आपदा इसमें गुरामी जो पुकारिया जांदा सी पीरा शाह। पीरा शाह आपदा नाम सी इसमें गुरामी सी पीरा शाह गाजी कलंदर। गाजी इस वास्ते आख्या जांदा है क्योंकि सरकार नू जिहाद करन दा बहुत ज्यादा शौक सी जिहाद बहुत ज्यादा शौक दे नाल करदे सन ते जिथे सरकार ने जिहाद वास्ते निकलना जिथे भी जाना इस्लामी फौज के अंदर रल के जिथे भी जाना अल्लाह ने उस मैदान अंदर फतह अता फरमा देनी। इस वास्ते आपनू गाजी आख्या जाता है कि आप जिथे भी जाते ने अल्लाह फतह अता फरमा देता है ते आप गाजी बन के ही लौटते हैं। हजरात इब्तदाई तलीम हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर सरकार ने अपने घर दे विच ही हासिल कीती ते अपने इलाके अंदर आपने उलूम नू मुकम्मल कीता। मैं गल ओ करनी है जो गल बड़े वसूक वाली है ते हजरत मियां मुहम्मद बख्श सरकार ने अपनिया किताबां विच लिखी। हजरात इब्तदाई तलीम नू मुकम्मल कीता उस तो बाद हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर ने इब्तदा दे अंदर तजारत भी करते रहे ने क्योंकि तजारत करना भी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक है। थोड़ी देर तजारत करने तो बाद सरकार इस्लामी फौज दे अंदर भर्ती हो गए। औरंगजेब आलमगीर दी उस वक्त हुकूमत सी बादशाहत सी उस दी फौज दे अंदर आप भर्ती हो गए। इस वास्ते के आप नू जिहाद दा बहुत ज्यादा शौक सी ते आप चाहते सन कि मैं इस्लामी फौज दे अंदर दाखिल होके ते अल्लाह वास्ते जिहाद करदा रहूं। हजरात तवज्जो चाहना औरंगजेब आलमगीर दी जिंदगी पढ़िए ते पता चलता है एक नेक दिल इंसान सी बहुत ही अच्छा इंसान सी ते आपने फौज के अंदर जिथे जिस जंग के अंदर जाना कुफार के खिलाफ जिथे जाके लड़ाई करनी अल्लाह ने आपनू फतह अता फरमा देनी ते आपने हमेशा गाजी बन के ही लौटना। इसे वास्ते लोगों ने आखना शुरू कर दिता पीरा शाह गाजी के ए पीरा शाह जिथे ही जाता है अल्लाह उथे ही कामयाबियां अता फरमा छड़ता है।
बल्कि हजरत रूमी कश्मीर मियां साहब सरकार अपनी किताबां दे अंदर आप दा एक लकब लिखते ने असदुल असाकिर वल मुगाजी के आप ओ शेर ने जिन्ना कुफार दे खिलाफ जंगा भी लड़िया ने ते जिस जंग विच गए ने अल्लाह ने आप नूं फतह भी अता फरमाईए आप शेर बन के गए ने ते शेर बन के वापस आए ने हजरात ते शाह लफ्ज़ इस वास्ते नहीं बोलिया जाता कि आप सैयद सन नहीं आप नूं अल्लाह ने बड़ा आला मुकाम में वलायत अता फरमाया लेकिन आप सैयद नहीं सन वैसे ही आप दा नाम सी जिस तरह किसी नूं शाह जेब आख्या जाता है शाह नवाज आख्या जाता है जिस तरह हजरत पीर मुहम्मद करम शाह सरकार का नाम लिया जाता है आप सैयद नहीं सन लेकिन नाम के नाल शाह लगता सी इसी तरह हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर सरकार भी सैयद नहीं सन लेकिन ना आपदा पीरा शाह सी हजरत फौज के अंदर ड्यूटी करने तो बाद भी आपने तजारत का पेशा अपनाया तजारत करते रहे अल्लाह ने बड़ी मालो दौलत अता फरमाई एक कामयाब ताजर की तरह अपने जिंदगी गुजारी है अल्लाह ने कसरत के नाल मालो दौलत भी अता फरमाई लेकिन आपने अपनी जिंदगी हमेशा फकीराना अंदाज विच ही गुजारी है क्योंकि अल्लाह वाले जड़े होंदे ने उन्हां नूं मालो दौलत की कोई फिक्र नहीं हुंदी वो चाहते ने कि असीं उसे तरह जिंदगी गुजारीए जिस तरह खुदा दा हुक्म है ते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक अगर आप दे घराने दे हवाले नाल गल करां ते आप दे नसब दे हवाले नाल हजरत रूमी कश्मीर मियां साहब सरकार ने कोई तफसीली बहस नहीं की थी खामोशी अख्तियार की थी मैं भी खामोशी ही अख्तियार करांगा औलाद के हवाले दे नाल हजरात आप दियां दो बीवियां सन एक विचों अल्लाह ने औलाद अता फरमाई ते किताबां अंदर हजरत मियां साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि आप नूं अल्लाह ने दो बेटे अता फरमाए एक दा नाम हजरत मियां सावन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ते दूसरे हजरत मियां दीन मुहम्मद सरकार रहमतुल्लाह अलैह हजरत मियां सावन रहमतुल्लाह अलैह नूं हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर ने हुक्म दिता कि जा मीरपुर के इलाके में चला जा उत्थे जा के जिंदगी गुजार ते हजरत मियां सावन रहमतुल्लाह अलैह आप दे हुक्म दे मुताबक मीरपुर के इलाके अंदर चले गए मस्जिद सराजा के अंदर आपने डेरा लगाया उत्थे रब नूं याद करदियां करदियां जिंदगी गुजार छड्डी अल्लाह वाले दे बच्चियां भी बच्चे भी अल्लाह वाले ही होंदे अपने दूसरे बेटे हजरत मियां दीन मुहम्मद सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप नूं सरकार ने अपने वास्ते चुनिया आपने फरमाया मेरी दमड़ी का वारस भी दीन मुहम्मद ही है ते मेरे मुसल्ले का वारस भी दीन मुहम्मद ही है यानी दुनियावी जिंदगी की विरासत भी इसी बच्चे कोल है ते मेरी रूहानियत की विरासत भी इसी बच्चे दे कोल है एक रिवायत अंदर इस तरह भी होंदा है कि हजरत मियां दीन मुहम्मद सरकार दमड़ी वाली सरकार दे अपने बेटे नहीं सन बल्कि ले पालक सन लेकिन रिवायत जेड़ी भी है हजरत मियां दीन मुहम्मद सरकार दे नाल दमड़ी वाली सरकार नूं बड़ा ही प्यार सी बड़ी मुहब्बत सी छोटे जे बच्चे सन अपने नाल रखना जिथे जाना नाल लैके जाना ते आपने ही तरबियत की थी ते आज भी हजरत दमड़ी वाली सरकार दे मजार दे नाल ही हजरत मियां दीन मुहम्मद सरकार दी कबर है आज भी इकट्ठे ही पे चलते कबरां भी इकट्ठियां ने हजरात छोटे जे बच्चे हजरत मियां दीन मुहम्मद सरकार दमड़ी वाली सरकार ने जिथे जाना नाल लैके जाना कई मरतबा ते ऐसा होया हजरत मियां मुहम्मद बख्श सरकार लिखते ने के दमड़ी वाली सरकार जा रहे ने वेख्या एक तंदूर पिया तपदा है ते आपने अपने छोटे जे बच्चे नूं उस तंदूर दे अंदर सुट छड़िया एक वेखन वाले ने आख्या बाबा जी की होया है बच्चा जल गया फरमाया तेरा तंदूर ही जलना है बच्चे नूं कुछ नहीं होना बच्चे नूं कुछ नहीं होना कई मरतबा ऐसा होना हजरत दमड़ी वाली सरकार ने
मीरा शाह गाजी कलंदर ने हजरत दीन मुहम्मद सरकार नूं लटाना उत्ते गास कठा करके रख के ते आग लगा देनी। लोकां पुछना हजूर दी वजह की है, आपने फरमाया मेरे अंदर एक रूहानियत दी आग है, मैं चाहना कि ये बच्चा इस काबल हो जाए कि मेरे नजदीक भी आ सके, मेरे को फैज भी हासिल कर सके, ते फिर मेरा खलीफा बन के दुनिया की खिदमत भी कर सके। आपने फरमाया मैं तेरी तरबियत पिया करना। हजरत दमड़ी वाली सरकार, आपने हजरत दीन मुहम्मद सरकार नु अपना वारस बनाया, आप दा मुर्शिद खाना गुजरा शाह मुकीम सैयद शाह मुहम्मद अमीर बाला पीर आप दे मुर्शिद ने, जिन्ना दे हाथ विच हाथ दे के दमड़ी वाली सरकार ने बैत कीती, ते उन्हां दे मुर्शिद हजरत सैयद शाह मुहम्मद मुकीम रहमतुल्ला अलैह औकाड़े दे अंदर तुसा सुनिया होना है हुजरा शाह मुकीम, हुजरा शाह मुकीम वो आप दे ना तू ही ना रखिया गया, सैयद शाह मुहम्मद मुकीम दे ना उतू ना रखिया गया, वो आप दा मुर्शिद खाना है। ते हजरत शाह मुहम्मद मुकीम सैयद जमालुल्ला हयातुल मीर अल मरूफ जिंदा पीर दे मुरीद ने, ते जिंदा पीर सरकार हजरत गौसे आजम सरकार दे मुरीद ने, यानी तिन्ना वास्तियां दे नाल हजरत दमड़ी वाली सरकार दी निस्बत हजरत पीरा ने पीर कंदीले नुरानी महबूबे सुबहानी हजरत पीर सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल जा मिलदी। हजरत तवज्जो चाहना बड़े इख्तिसार दे नाल, पीरा शाह गाजी कलंदर ने सारी जिंदगी मुजाहद के अंदर गुजारी, रब नूं राजी करदे रहे, हत्ता के मियां साहब सरकार फरमांदे ने कि दमड़ी वाली सरकार ने सत साल एक दरख्त दे नाल टेक लगा के गुजार छड़े, ते सत साल अल्लाह अल्लाह ही करदे रहे। एवें ते मुकाम नहीं ना लभ जांदे, अल्लाह वाले दी करामत पढ़ी दी, कदी इन्हां दी जिंदगी वेखो इन्हां किस तरीके दे नाल किन्नी मेहनत ते कोशिश करके मुकाम हासिल कीते ने। ते हजरत मियां साहब सरकार फरमांदे ने कि जिथे आप दा मजारे पा के खड़ी शरीफ उहदे पिछले पासे एक पहाड़ी, उस पहाड़ी दे उत्ते पत्थर दी चट्टान दे नाल टेक लगा के हजरत दमड़ी वाली सरकार ने 12 साल गुजार छड़े, 12 साल अल्लाह अल्लाह ही करदे रहे, 12 साल दा चिल्ला कटिया। आज भी वो पत्थर उत्थे मौजूद है, पत्थर दे उत्ते हजरत दमड़ी वाली सरकार दी कंड मुबारक कमर मुबारक दा निशान लगा होया, आज भी मौजूद है, लोग जाते ने वेख के आते। हजरत मियां साहब सरकार फरमाते ने एक मरतबा हजरत दमड़ी वाली सरकार दरिया के किनारे बैठ के कुरान पे पढ़ते ने, चंद सारे मुरीद भी उत्थे मौजूद ने, ते कुरान पढ़दी अचानक आपने कुराने पाक उठाया सीने लाया, ते दरिया दे विच छलांग लगा गए। मुरीद काफी इंतजार करते रहे, कई तो दरिया दे विच भी गए तलाश करते रहे, किधरे नजर नहीं आए। चंद सारे मुरीद आस पास दे उन्हें उत्थे रहना नजर रखनी कि पता नहीं किदों निकलणगे, लेकिन निकलणगे जरूर। अल्लाह वाले दे मुरीद जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं पता हुंदा है कि ये अल्लाह वाले ने इन्हां दे हर काम विच हिकमत है। हजरात 12 साल तो बाद बाहर निकले, चंद सारे मुरीद बैठे हुए ने, वेखदे पहचान लिया, अर्ज की हजूर 12 साल कितने गुजारे ने? आपने फरमाया मैं हजरत हिजर सलाम की बारगाह चला गया सा, 12 साल उन्हां कोलों उलूम भी हासिल किए ने, रूहानी फैज भी हासिल करके आया, 12 साल मुजाहदात करते रहे, ते फिर शान की मिली, मुकाम की मिलिया, इज्जत की मिली। हजरत रूमी कश्मीर फरमाते ने दमड़ी वाली सरकार नु हजरत गौसे आजम सरकार ने पंजाब दे अंदर अपना नायब मुकर्रर कर छड़िया, अपना नायब बनाया नायबे गौसले आजम। ते एक मरतबा रूहानी तौर ते यारवीं अली सरकार दी बारगाह च बैठे हुए ने, सरकार ने फरमाया पीरा शाह गाजी असा 1,00,000 टका तेरा वजीफा मुकर्रर कर छड़िया,
तेनू एक लख टका रोज तेरे दरवाजे ते पहुंच जाएगा। ते आपने हाथ जोड़ के अर्ज की, हजूर तुसी ते बड़े ही सखी हो, ते मैं दुनिया दे माल नू की करना है? हजूर मैनू ते दुनिया दा माल चाहिए नहीं, ते किदे मेरी औलाद दुनिया दे मगर चल के अपनी आखरत खराब ना कर ले, दुनिया दे पिछे ना पै जाए। हजूर मेहरबानी फरमाओ जरा घटा दे। ते हजरत गौसे आजम सरकार ने फरमाया, असी फिर सवा लख तमड़ी तेरी मुकर्रर कर छड़ने आ, सवा लख दमड़ी तेरे दरवाजे ते रोज मुतवस्सलीन मुरीदीन पहुंचा देंगे, वो पहुंचाएंगे, अल्लाह उन्हां दियां मुसीबतां परेशानियां नूं दूर फरमा देगा। उस वजह तो आप दा लकब है, आप नूं याद किया जाता है दमड़ी वाली सरकार, क्योंकि आप नूं गौसे आजम सरकार की बारगाह विचों तोहफा मिलिया सवा लख दमड़ी का, दमड़ी वाली सरकार। हजरात तवज्जो चाहना, आप दी बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है, आप दी केड़ी केड़ी शान बयान करा। मैं मुख्तसर वक्त दे अंदर ही गुफ्तगु करनी है, कोशिश करनी है ज्यादा तो ज्यादा चीजा मैं तुहाडे तक पहुंचा सकां, लेकिन अगर तफसील नाल गल की जाए तो बहुत ही तवील मौजू है। हजराते ग्रामी जरा तवज्जो चाहना, कायनात आले ओ जेड़ा खड़ीदा ताजदार है, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जेड़ा सारे कश्मीर दा सरदार है, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिन्ना ते दरवाजे उतो कदे कोई सवाली खाली नहीं मुड़िया, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जेड़ा एक दमड़ी दा तोहफा लेके करोड़ा देंदा है, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जेड़ा बादशाहां दा पीर है, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिन्ना दी गुलामी सुल्तान भी कर देने, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिस दर दे कुत्ते कोलो बबर शेर भी डरदा है, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिन्ना अपने मुरीदां दा रिज़क टोर छड़िया, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिन्ना दे दरवाजे उते वली आंदे ने आके सलामी करदे ने, मत्था टेकदे ने, नाले खिदमत भी करदे ने, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है। ताइयों ते हजरत मियां मुहम्मद बख्श सरकार रहमतुल्लाह ने आपने बड़े कमाल दी अकासी करके फरमाया, ए पीर मेरे दी ए धूम चुपे रे ए आमन वली सलामी चुम्मन खाक करेंदे खिदमत ए दावा रख गुलामी। कायनात आले ओ कौन पीरा शाह गाजी कलंदर, कौन दमड़ी वाली सरकार, जेड़ा उतरिया पुत्र देंदा है, ओह मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिन्ना डुबे जहाजा नो पार ला छड़िया है, ओह मुर्शिद दमड़ी वाला है, ओह जिन्ना नो वेखिया रब याद आंदा है, ओह मुर्शिद दमड़ी वाला है, जेड़ा उजड़े वाले आंदा लाड लाए, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिन्ना दे मुरीद औलिया दे सरदार ने, ओ मुर्शिद दमड़ी वाला है, जिन्ना हजरत मियां मुहम्मद बख्श सरकार नो औलिया दा सुल्तान भी बनाया है, नाले सारी कायनात दे
चमकाया है ओ मुर्शिद दमड़ी वाला इसे वास्ते रूमी है कश्मीर ने फरमाया है पीर मेरा है दमड़ी वाला ए पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेगा दुआ जहाना अंदर हजरात पीरा शाह गाजी कलंदर दमड़ी वाली सरकार आप दा बड़ा मुकाम है ते आपने अपने मुरीदा नूं भी बड़ा ही मुकाम अता फरमाया हजरत मियां मोहम्मद बख्श सरकार आप नूं ते दुनिया दे कोने कोने ते लोग जानते ने जिन्हों कोई शेर नहीं ना होंदा तुसी भी बैठे हुए हो इस चीज के गवाह हो उन्हों मियां साहब सरकार दा शेर जरूर होंदा इन्हों आंदे ने मुर्शद दा फैज मुर्शद आला बोले जरा आखे बुलंद आवाज दे नाल सुभान अल्लाह जरा टिल ला के आखो सुभान अल्लाह हजरात तवज्जो चाहना आप दे मुरीद हाजी बग्गा शेर सरकार रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त आप दा मजारे पाक दरकाली शरीफ तहसील कलर सैदा जिला रावल पिंडी दे अंदर अपने दौरे मुबारक दे अंदर हजरत मियां साहब सरकार फरमांदे ने इन्हां दा नां सी मुरीद खान इह दिल्ली दे विच रहिंदे सन ते मुहम्मद शाह देलवी बादशाह सी उदी फौज दे अंदर सन ते 4000 सिपाहियां दे सरदार सन ते एक दिन इन्हां नूं खबर मिली कि दिल्ली दे अंदर एक बुजुर्ग आए ने अल्लाह दे वली आए ने इन्हां दिल विच ख्याल कीता कल मैं भी जावांगा ते उन्हां दी जियारत करके आवांगा रात नूं सुते दमड़ी वाली सरकार ख्वाब विच मिल पे ते चेहरा नजर नहीं आया ते सिर्फ फरमाया मुरीदा तेनू किधरे जान दी जरूरत नहीं बंदा वो अल्लाह दा वली है लेकिन तू ना जावी तेरा फैज ओदे कोल नहीं तेनू मेरे कोलू फैज मिलना है सुबह बेदार होए दिल विच ख्याल आया पता नहीं कौन एडा सखी मुर्शद जरा ख्वाब विच आके आप ही बिशारतां पिया देंदा है फिर जेन विच ख्याल आया कि शैतानी हमला ते नहीं हजरात परेशानी लग गई दूसरी रात सुते फिर यही आवाज आई किधरे जान की जरूरत नहीं तेरा फैज मेरे कोल है सुबह बेदार हुए होर परेशान हो गए कदे सोचन ठीक है कदे सोचन शैतानी हमला ते नहीं दिल में सोचिया आज तीसरी रात रो अगर ख्वाब आया ते मुर्शद पाक ने अपना नाम ही दसिया ते पता भी दसिया फिर तो ठीक है नहीं तो सुबह जाके बैत हो जावांगा सुबह जाके बुजुर्गां दा बैत हो जावांगा अदराते ग्रामी जरा तवज्जो चाहना मेरे मुस्तफा दे गुलामा रात दा वेला होया अख लग गई है किस्मत जाग पई है मुर्शद दा दीदार होया हाजी बग्गा शेर फरमांदे ने मैं वेखिया नूरानी चेहरा प्यारा चेहरा हसीनो जमील चेहरा ओ चेहरे ते नूरी नूर नजरी आंदा है ए पता केरा चेहरा है जिदे मुतलक मियां साहब सरकार ने फरमाया है पीर मेरे दी ए सोनी सूरत ए मारे पे ए लश्कार अरे ए लाट मथे चो जे पे निकले ए चो यसमानी इतार अरे हजरात खा विच फरमाया ए मुरीद खान किते जान दी लोड़ कोई नहीं मैं तेरा मुर्शदा मेरा नाम
पीरा या गाजी है मेरा पता अमीर पोड़वे जे मैनू मिलना ही अमीर पोड़वे च आ जा होना तेरा कम है तेनू वैद देना तेरे इस पीर दा कम है। हाजी बग्गा शेर सरकार सुबह बेदार हुए खुशी दी इंतहा न रही हजरात तवज्जो चाहना उस हस्ती ने मुरीद खान आख्या जांदा उन्हां नूं हाजी बग्गा शेर आपका नाम सी मुरीद खान आपने बादशाह दरबार छड़िया आराम सुकून की जिंदगी छड़ी 4000 सिपाहियां दी सरदारी भी छड़ी फकीराना लिबास पाया जुत्ती उतार दी अपने मुर्शद के दरवाजे वाल चल पे मुर्शद आला बोले आखे तेरा सुबहान अल्लाह मुर्शद के दरवाजे वाल चले हजरात इधर मुरीद पिया चलता है उधर मुर्शद पिया इंतजार करता है जो मीरपुर के इलाके में पहुंचे ना ते दमड़ी वाली सरकार मुसलमानों पहाड़ दे उते तशरीफ फरमाने एक खादम खाना लेके आया आपने फरमाया ओए खादमा खाना ले जा मेरा एक मुरीद पे आयो दे लेन दे फिर कठे ही बह गए खाना खावांगे ये होंदे ने अल्लाह वाले जे मुरीद आ रहे तो मुर्शद भी इंतजार पे आखद हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर दी बारगाह दे अंदर हजरत हाजी बग्गा शेर सरकार पहुंचे ते मुर्शद उठ के खलो गए हाजी बग्गा शेर सरकार ने कदमा नु हाथ लाया कदम बोसी की थी हजरत पीरा शाह गाजी ने सीने लाया फरमाया ओए मुरीदा मेरे वास्ते बादशाह दा दरबार छड़िया है मेरे वास्ते ऐशो इशरत दी जिंदगी छड़िया है मेरे वास्ते 4000 सिपाहियां दी सरदारी भी छड़िया है ओ मुरीदा दस की लैना ही हुण मंगी जा मैं देई जाना बल्कि दमड़ी वाली सरकार ने फरमाया ओ मेरे मुरीदा जाकी याद करेगा असा तेनों 4000 वलियां दा सरदार बना छड़े आए फरमाया 4000 सिपाहियां दी सरदारी छड़ के आया जा तेनू 4000 वलियां दा सरदार बनाया ये होंदे ने अल्लाह वाले जेडे इस तरह नवाज दे हजरात फरमाया 10 होर की चाहिए ते सरकार हाजी बग्गा शेर ने हाथ बन ले वो जरा बानी 4000 वलियां दा सरदार जाए ओनू कादी थोड़ हाथ बने अर्ज कर देने दमड़ी वाले पिया कर करम दी निगाह दमड़ी वाले पिया कर करम दी निगाह दर ते आया दी किस्मत जगा सोने दमड़ी वाले पिया कर करम दी निगाह दर ते आया दी किस्मत जगा सोने हजरात दमड़ी वाली सरकार ने फरमाया तेनू 4000 वलियां दा सरदार भी बनाया ते तेनू गौसे आजम सरकार दा दरबान भी बनाया आपने फरमाया निगाह चुक ते वेख असा गौसे आजम सरकार दी कचहरी दे अंदर तेरा नाम ही दर्ज फरमा छड़ जिन्हों जिन्हों समझ आई सारे बुलंद आवाज़ नाल आखो तेरा सुबहान अल्लाह आपने नजर मारी अर्ज की हजूर ना ते लिखा होया
मोर नहीं लगी हुई। उस वेले का रिवाज सी बादशाह दरबार के अंदर अगर किसी कोई मुकाम मिलना ना कोई मनसब मिलना तो बादशाह मोर लानी तो जिन्हें उस मोर की रखवाली करनी उन्हू एक टका दिता जाना बतौरे इनाम भाई तू हिफाजत करनी है। दमड़ी वाली सरकार ने अपने मुरीद ने फरमाया मोर दवानी आ जी हजूर फरमाया डेढ़ टका वह भी ला छड़नी उची आखो जरा सुभान अल्लाह एडा सखी मुर्शिद फरमाया डेढ़ टका मोर भी लवा छड़ने आ। आ फरमाते ने कि मैं जो दिल्ली निकलिया ना मैनू राह च एक फकीर मिलिया मैं तो सब कुछ ही छड़ आया सा उन्हें आख्या खलो जा ए टका लै जा टका लै जा मैं आख्या मैं की करना मेरे किस काम उन्हें आख्या लीले तेरे बड़े काम दई तुहानू समझ नहीं आई आखो जरा सुभान फरमाया ले जा तेरे बड़े काम दई आपने फरमाया मैं ओही टका कढ़िया मुर्शिद दी बारगाह च पेश कीता ते दमड़ी वाली सरकार ने फरमाया ओए मुरीद खान नसीबा वाला हो गया है नजर मार मोहर भी लग गई एहो जी सखावत तू सदके जावा एहो जी सखावत तू कुर्बान जावा हन्ना चिल्ला कराया हन्ना कोई मुजादा कराया बस नजर मारी है वली भी बना छड़िया है ग्यारहवीं वाले का दरबान भी बना छड़िया है चार हजार वलिया का सरदार भी बना छड़िया है हुंदे ने अल्लाह वाले चार हजार वलियां दा किन्ना एक बारी फिर आख ले चार हजार वलियां दा सरदार बना छड़िया फरमाया मेरे मुरीदा मैं बारह हजार वलियां दा सरदार हाँ अल्लाह ने मैनू बनाया है ते तेनू चार हजार वलिया का सरदार बना छड़िया ते हाथ बन के की अर्ज करते ने आ फरमांदे ने मुकद्दर जगावे खड़ी वाला सोना मुकद्दर जगावे खड़ी वाला सोना जे एक चात पावे खड़ी वाला सोना तुसी भी मेरे नाल मुर्शद आला बोले मोहब्बत दा इजहार करके आखो मुकद्दर जगावे खड़ी वाला सोना जे एक चात पावे खड़ी वाला सोना अपना सज्जा हाथ बुलंद करो जिदा जिदा मुर्शद ना जरा पक्का सुनी है मुहब्बत दे नाल मेरे नाल पड़ेगा ते जिन्हें जिन लंगर भी खाधा है आखे जरा मुकद्दर जगावे खड़ी वाला सोना जे एक चात पावे खड़ी वाला सोना मुकद्दर जे एक चात पावे खड़ी वाला सोना रात तवज्जो चाहना दमड़ी वाली सरकार अपनी करामत बयान करन लगा एक दफा सरकार बैठे हुए ने ते अपनी नशिस्त उत्ते जलवा फरोज ने आसमाना ते बादल छाए हुए ते सरकार ने सफर का इरादा फरमा लिया सफर दा सारे आखो जरा होश दे नाल बवो आखो जरा सारे मेरे नाल बोलना है ताकि सारे नूं समझ आ सके सफर का इरादा फरमाया ते उत्ते बादल छाए हुए ने ते आप सफर वास्ते निकले जरा सारे आपको एक दफा बुलंद आवाज ना सुभान अल्लाह सफर ते निकले ते बदल छाए हुए ने ते परवाह नहीं की थी ते किते बारिश ना लत पे हजरात भी राजा गाजी निकले पैदल ही चल पे ने आसमान ते बदल छाए हुए ने ए थले अल्लाह दा वली पे आ जांदे ए कुर्बान जावा अल्लाह दा नेक बंदा पे आ जांदे अल्लाह दा कामल वली पे आ जांदे अल्लाह दा महबूब बंदा पे आ जांदा ए जेड़ा गौसे आजम दा नाए बे औलिया दा
सरदारे। चलदियां चलदियां थोड़ा जिहा चले बारिश नाजल हो गई, पीरा शगादी चलते रहे। सामने वेखिया एक मकान दा दरवाजा खुला होया है। मुसलमान चली जा रहे ने उस मकान दी तरफ चल पे। ओए सदके जावां किडे मुकद्दरां वाला घराना है, जिथे वलियां दा सरदार पिया जांदा है। आप दरवाजे दे दाखिल होने लगे, अंदर एक औरत निकली। तवज्जो नाल सुनिया जे, बड़ी काबले गौर बात। उन्हें आखिया बाबा बाहर ही रह, किधर पे आना है, बाहर ही रह। आपने फरमाया बीबी मैं अल्लाह दा फकीर हां, अब बारिश भी लत दी है, थोड़ी देर साए थले खड़ा होना है, बारिश बंद हुंदी है टुर जाना। आंदी है बाहर ही रह, बड़े बड़े मैं फकीर वेखे ने, बाहर ही रह। आपने फरमाया होया की आए, इन्नी नाराज है। आंदी है बड़े बड़े फकीर वेखे ने, मैं बड़ा कुछ वेख्या, बड़े बड़े आंदे ने, मैं अल्लाह वाला, मैं पीर हां, मैं फकीर हां, मैं नहीं किसी नूं मंनदी। आपने फरमाया होया की आ, दसते सही, वो कुछ दसते सही। आंदी है दसियां की लब्बे, हजरत पीरा शाहगाजी ने फरमाया ए बीबी अज बड़ा कोजी तेनों लब जाना है। आंदी है मेरे होई गुजारिश, मेरे घर औलाद कोई नहीं, एक बच्चा चाहिए, अल्लाह मेनू भी औलाद ता फरमा दे, पुत्र दे दे। आंदी है बड़ियां खिदमतां कीतियां, बड़िया जगह ते गई, बड़े जाके सवाल किए, बड़िया दुआवां कराइया। आंदी है मेनू किधरों औलाद नहीं लभी, हजरत पीरा शाहगाजी ने फरमाया तेनों औलाद नहीं लभी। आंदी है नहीं, बड़े बड़े फकीर ते पीर वेखे। हजरत पीरा शाहगाजी ने फरमाया ए बीबी तू पीर वेखे ने, ए पीरा नहीं वेखिया। तक पीर ही वेंदी रही है, पीरा नहीं तू अज तक वेखिया। आंदी है पीरे दा की कमाल है, आपने फरमाया हुण ही तेनू दसना, हाथ ही उठा ले, दुआ कर दे ने। अल्लाह औरतां नूं नवे महीने बच्चा देना, किसे नूं बेटा किसे नूं बेटी, इस औरत नूं बच्चा अता फरमा दे। हजरत मियां साहब दरकार फरमांदे ने इधर दुआ होई है, उधर रहमत नूं जोश आ गया है। रब दी रहमत नूं जोश आया, औरत नूं विलादत वाले आसार मालूम हो गए। उन्हें फौरन अपने खावंद नूं आवाज मारी, सहेलियां नूं बुलाया, अंदर चली गई। थोड़ी जी देर गुजरी, खावंद बाहर निकलिया, तो गोद में एक बच्चा उठाया है। ये होंगे ने अल्लाह वाले, ये होंगे ने अल्लाह वाले, जेडे दुआ करते ने रब जो मंगते ने दे छड़दा है। खावंद ने बच्चा उठाया होया ते लैके कदमा च आया, बोसा दिता, अर्ज करदा बाबा जी अगे सुनिया सी हुण अखां नाल वे आए। अल्लाह वाले जो मंगदे ने रब ओही दे छड़दा है। आंदा अज ते अखां नाल वेख लिया, जो अल्लाह वाले मंगदे ने अल्लाह ओही दे छड़दा है। ते फिर हाथ जोड़ के आंदा ते होना है ना, की पता मुकदर जगावे खड़ी वाला सोना, मुकदर जगावे जेक जात पावे खड़ी वाला सोना, मुकदर जगावे खड़ी वाला सोना, जेक जात पावे खड़ी वाला सोना। हजरात तवज्जो चाहना, हजरत पीरा शाहगाजी कलंदर सरकार, आप दियां करामात बेशुमार ने, ओनू बेटा अता फरमाया। सरकार एक और करामत,
सरकार एक दफा अपने मुरीदीन दे नाल चंद सारे गुलाम नाल ने जिथे इस वक्त दरबारे आलिया खरी शरीफ है ना पिछे एक गांव है चक ठाकरा उथे तशरीफ लैके आए एक गरीब जिहा बंदा सी उथे फतेह मुहम्मद खान उहदा नां सी सरकार ने फरमाया मेरे मुरीद नाल ने कुछ खाने का इंतजाम ते कर वह बड़ा गरीब सी घर गया उन्हें वेख्या कोई चीज खाने वास्ते मौजूद ही नहीं बीवी ने पूछा बीवी ने आख्या थोड़ी जी सुकियां रोटियां है ने उन्हें उहे लईयां लिया के अर्ज करदा हजूर बस यही कुछ जिहड़ा उथों का चौधरी सी ना चक ठाकरे का शहनशाह ठाकर लोग आते सन ठाकरे का सरदार है शहनशाह है उन्होंने पता चलिया उन्हें तवज्जो नहीं दी कि अल्लाह वाले आए ने कि मैं कोई खिदमत करा सरकार ओदी कंजूसी पसंद नहीं है सुकियां रोटियां ही खा लिया खा के ना उस फतेह मुहम्मद खान दे कान विच को गल आखी दुआ दिती चले गए हजरत मियां मुहम्मद बख्श सरकार फरमाते ने जरा चौधरी सी ना शहनशाह ठाकर उहदा नामो निशान खत्म हो गया ते जरा गरीब आदमी सी ना फतेह मुहम्मद खान अल्लाह उन्हूं दौलत भी अता फरमा छड़ी ते सरदारी भी अता फरमा छड़ी जदों वलियां दीआं दुआवां जो लग जाण ते फिर कम बन जांदे ने हजरात तवज्जो चाहना उथे जिथे सरकार रेंदे सन ना उथे एक आप दा खादम सी आप दा मुरीद सी ओ किते सफर ते निकलिया ते जिदू वापस आया ना ते रस्ते विचों एक दरिया नू क्रॉस करन लगा ओ जो ही दरिया दे अंदर दाखल होया उधरों पानी दा रेला आ गया उहदे कोल पार ना निकला गया पानी आया आपी भी पानी दे विच ते सवारी भी पानी दे अंदर ही यानी पानी के अंदर डुब गया उन्हें बड़े हाथ पैर मारे बड़ी कोशिश की बाहर नहीं निकला गया उन्हें घोड़े दी लगामा नू कस के फड़ लिया ते जोर दे नाल पैर दी अड्डी मारी याद रखिया जे जोर दे नाल पैर दी अड्डी मारी है अड्डी मारन दी देर है सवारी उछली है ते अड्डी मारन तो पहला उन्हें अपने मुर्शद दमड़ी वाले नू आवाज मारी पीरा शाह गाजी नजरे करम फरमाओ मुश्किल विच फस गया अड्डी मारी है सवारी उछली उछल के पार लगी किनारे आई जान बच गई वापस आया खड़ी शरीफ घर नहीं गया पीरा शाह गाजी कलंदर दे कोल आ गया ते आके मुसलमानों गिले कर दे शिकवे कर दे आंदे पीर जी मैं आज मुसीबत विच फस गया है बाबा जी तुसा नजर ही नहीं मारी मैनू बचाया ही कोई नहीं मैं तुहाडे हथा विच हाथ दे के बैत की दिए पीरा शाह गाजी नहीं बोले अपने कंधे तो कपड़ा हटाया उन्हें एक निशान नजर आया आंदे हजूर निशान का दे आपने फरमाया ओए मुरीदा पैर दी अड्डी मारिया निशान पा छटे आई जिन्हें समझ आई आखो जरा सुभान अल्लाह आपने फरमाया पैर दी अड्डी मारी है निशान पा छड़े आई परेशान हो गया पीरा शाह गाजी बोले आपने फरमाया तेनू की लगता है तेरी सवारी आपे ही उछली आपे ही किनारे आ गई आप ही बच के निकल आया नहीं नहीं असा तेनों अपने कंधिया ते उठा के पार लाया है मुर्शद होवे ना कामल ते मुरीद जिथे भी फसिया होए आवाज मारे मुर्शद नू पता लग जांदा है लेकिन शर्त है वे मुर्शद कामल होना चाहिए मुर्शद अल्लाह वाला होना चाहिए जिहड़ा दुनिया दी खातर मुरीद ना बनाए जिहड़ा अल्लाह दी रजा दे खातर मुरीद बनाए जिहड़ा लोकां दी तरबियत करन वास्ते मुरीद बनाए हजरात जदों ने सुनिया ना कि वाकई सवारी इंजी उछली सी जिवें किसे कंधियां ते उठा के बाहर कढ़ी ते निशान भी वेख्या ते फेर पता की आंदा आंदा मेरा पीरा शाह गाजी मर्दे कलंदर मेरा पीरा शाह गाजी मर्दे कलंदर
मदद कर द मेरी हर मुश्किल दे अंदर। तुसी भी आखो मेरा पीरा शाह गाजी मरदे कलंदर, मेरा पीरा शाह है। पिछले भी उच्ची आवाज दे नाल पढ़ो, अपने अपने मुर्शद दा तसव्वुर लै लो। जिन्ने खड़ी दा लंगर खाता है वह भी बोले मेरा पीर शाह गाजी। सज्जा हाथ बुलंद करो, मैनू पता लगे ये मुर्शद वाले सुन्नी बैठे हैं। इंज नहीं, हाथ बुलंद करके, हाथ उठा के मुहब्बत नाल पढ़ना है। ते सारे आखो मेरा पीर शाह गाजी मरदे कलंदर, मेरा पीरा कलंदर। मदद कर द मेरी हर मुश्किल दे अंदर, मेरा पीर शाह गाजी मरदे कलंदर। मदद कर द मेरी हर हजरात तवज्जो चना, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हजरात मीरपुर दे एक दर्जी सी, दर्जी ते ओदी की रूटीन सी, उन्हें हर ईद ते ना सरकार नू एक सूट सी के देना। तो ईद तो पहला उन्हें एक काम पै गया, दिल्ली चला गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान सारा कट्ठा ही सी, दिल्ली चला गया। लेकिन सूट सी के ते बीवी नू दे गया, आंदा ईद तो पहला या ईद वाले दिन सरकार नू पेश करके आना। ओ चला गया, ईद वाला दिन उन्हें दिल्ली आया, वो नमाज पढ़न गया ईद दी। तो जो फेड़ी ना सलाम ते वेख्या मुर्शद नाल ही खलोता है, जिन्हें जिन्हें समझ आई आखे जरा सुभान अल्लाह। तो सोचता मुर्शद ते नाल ही है, बाद विच सलाम अर्ज करने आ, कदम बोसी करने आ, ते दुआ मांग के वेख्या ते मुर्शद नजर ही नहीं आया। वापस घर आया ते बीवी नूं आंदा सूट दे, मैं दे के आना है। उन्हें आख्या वह तो मैं ईद वाले दिन ही दे के आई हाँ। जिन्हों जिन्हों समझ आई आखे जरा सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या तू कि दे के आई है, उन्हें तो ईद की नमाज दिल्ली पढ़ी है। उन्हें आख्या कि गल्लां करना है, मैं खुद मीरपुर दे विच उन्हें दे के आई हूँ, अपनी अखां नाल वेख्या। उन्हें आख्या नहीं तेनू भुलेखा लग गया। बीवी आखे नहीं तेनू भुलेखा लग गया। इन्नी देर में दरवाजा खड़किया, पीरा शाह गाजी खुद ही तशरीफ ले आए। उन्हें आख्या हजूर बीबी आंदी है मैं दे आई हाँ, मैं तुहानू दिल्ली वेख्या। आपने फरमाया फिर की हो गया, जो गौसे आजम सरकार ने एक वक्त के अंदर चालिया घर रोजा अवतार कर लिया सी ना, तो मैं भी गौसे आजम सरकार के गुलाम हाँ, मैं भी दू जगह से जाना, मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। फरमाया तुम्हें ठीक है, तुम्हें ठीक है, अल्लाह वाले की ताकत होंगी है, क्योंकि कोई आम उम्मत नहीं ना, मेरे मुस्तफा की उम्मत है। हजरात तवज्जो, उस दर्जी के घर के अंदर कच्चा मकान, सरकार एक दफा छत के उत्ते ना तशरीफ फरमा ने, कच्चा मकान, लोगों को पता चलिया मुरीद भजदे भजदे आ गए, छत के उत्ते काफी रश पै गया। तो जिहड़ी उहदी बीवी है ना, मन्नन वाले सन, उन्हें खाना पकाना लंगर का इंतजाम करना शुरू कर दिता। तो उत्ते काफी भीड़ लग गई, हुण छत कच्ची है। तो बीवी के दिल में ख्याल आया छत कच्ची है, मुरीद काफी हो गए, कि छत ना डिग पे, छत डिग ना पे। ते हजरत पीरा शाह गाजी मुसलमान बोले, फरमाया फिकर दी लोड़ी कोई नहीं, तू भी ख्याल करनी है कि छत ना डिग पे, इस छत नू एक दराड़ भी नहीं आनी। आपने फरमाया होनी देर तक, जिनी देर तक खुद ना सुट दे छत नू कुछ नहीं होएगा। हजरत मियां मुहम्मद बख्श सरकार फरमाते ने, डेढ़ सौ साल लंघ आए छत अजे भी सलामत नजरी आंदी है। डेढ़ सौ साल लंघ गया छत नू कुछ नहीं होया, किवें कुछ होए, नजर जो दमड़ी वाली सरकार दी पै गई। हजरात एक दफा आप दरिया के किनारे मौजूद ने,
ते दरिया दे किनारे उते दूसरी तरफ एक कश्ती वाला कश्ती लैके बैठा होया है। उहदा काम सी लोकां नूं दरिया पार कराना। आपने नूं आवाज मारी, वह कश्ती लैके इस पासे आया, सरकार ने दूसरे किनारे तो फिर आवाज मारी, उन्हें उत्थे नजर नहीं आए, उधरों आवाज आई, फिर उधर चला गया, उत्थे जाके वेख्या सरकार फिर उत्थे नजर नहीं आए, पहले किनारे तो फिर आवाज मारी, वह फिर कश्ती लैके उधर आया, उत्थे मौजूद नजर आ गए। अर्ज कर दिया, हजूर की हुक्म है? फरमाया मैनू कश्ती की तो लोड़ ही नहीं, मैं ते तेरी अजमाइश पिया करना सा, तू पास हो गया है, जा जिन्नी देर तक कश्ती चलाएगा उन्नी देर तक तेरी कश्ती दरिया विच डुबन नहीं लगी, उन्नी देर तक कश्ती डुबन नहीं लगी। आपने फरमाया अगर मेरी औलाद दे नाल भी इसे तरह अकीदत ते मुहब्बत रखोगे तेरी औलाद भी कश्ती चलांदी रहेगी, कश्ती पे चलायो कदे दरिया विच डुबन नहीं लगी। हजरत तवज्जो चाहना, हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर अल्लाह वाले जिहड़े हुंदे ने इन्हां दी अल्लाह दे नाल ही यारी हुंदी, इन्हां नूं दुनिया दे माल नाल कोई गर्ज नहीं हुंदी। आ मीरपुर दे इलाके अंदर बैठे हुए ने, एक गरीब गुलाम आया, आंदा हजूर कुछ खिदमत वास्ते लैके आया, लैके आवा? आपने फरमाया बाजरे की रोटी लै आ ते साग लै आ, बाजरे की रोटी लै आ ते साग लै आ। वो गया जाके पकान लग पिया, उत्थे एक होर बंदा सी बड़ा मालदार, उन्हें पता चलिया, दिल में ख्याल आया जे पीरा शाह गाजी ने खा के दी ना दुआ तो इन्हें भी मालदार बन जाना है। उन्हें आख्या मैं खुद ही खाना लैके जाना ते अपने ही खवाना, मैं ही दुआ लैना। अल मुख्तसर उन्हें फटाफट गोश्त तैयार किया, आटे की रोटी तैयार की, बड़ा पुरतकल्लफ खाना लैके खिदमत विच पेश होया। इचरा नूं साग ते बाजरे की रोटी लैके आ गया, आपने गोश्त वाल नहीं वेख्या, वह गरीब मुरीद का खाना खान लग पे ने। ये होंगे ने अल्लाह वाले जिन्हां नूं दुनिया का लालच नहीं हुंदा। हजरात जो साग खांदे ने ना ते अमीर ते मालदार बोलिया, आंदे हजूर किथे मेरा लजीज खाना, किथे बाजरे दी रोटी। आपने मुसलमानों हाथ अगे कीता, रोटी नू हाथ विच फड़िया, फड़ के दबाया ए, विचों खून निकल आया। आपने फरमाया लोकां दा खून चूसता रहे है, माल जमा करके मेरे कोल रोटी ले आया, ओए जा टुर जा, तेरे इस लजीज खाने नालों ए बाजरे दी रोटी हजार गुना चंगी है। फरमाया चंगी है जड़ी हलाल है, जिन्हों खा के रब भी राजी, रब दा रसूल भी राजी। हजरात तवज्जो चाहना, दुआ दी मियां साहब सरकार फरमांदे ने थोड़ी जी देर गुजरी है, अल्लाह ने उस गरीब बंदे नूं इन्नी दौलत अता फरमाई है हिसाब ही कोई नहीं। जिन्हों औलिया की दुआ लग जाए उन्हों कमी कोई कमी नहीं रहती। औलिया अल्लाह जिन्हें भी ने ना कदे किसी की बेअदबी ना करो, जरा ओली अल्लाह की बेअद भी कर दे हजरात अल्लाह उदे नाल ऐलान जंग कर दे। यह हदीसे पाक दा मफहूम है। बहरहाल मेरा यह मौजू नहीं, तवज्जो चाहो, एक दो करामत सुना के मैं खत्म करन लगा, वक्त हो गया। सरकार एक दफा पीरा शाह गाजी कलंदर टिले दे उते तशरीफ फरमाण ते कोल मुरीद बैठा है, अर्ज करदा हजूर औलिया दी किन्नी शान है? आपने फरमाया औलिया दी इन्नी शान है, ओ जिहड़ा सामने पहाड़ है ना, अगर वली आखे ना ओ पहाड़ा चल पै ते पहाड़ चल पैंदे ने। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह करन लग पे, मुरीद दी नजर पे ते आंदा सरकार उधर वेखो पहाड़ ते वाकई चल पे है। पीरा शाह गाजी ने फरमाया रुक जा, मैं तेनू समझा रहा, तू किधर जा रहा है? ये होंदे ने अल्लाह वाले जिन्हां नूं दुनिया की गरज नहीं हुंदी। हजरात तवज्जो चाहना, पीरा शाह गाजी कलंदर सरकार अपने डेरे दे उत्ते बैठे हुए ने, आखिरी बात है, वक्त हो गया है। ते एक ना बंदा उस जगह दा, वो बादशाह दा मुलाजम सी, अपने घर आ रहा सी, 500 रुपया उहदे कोल सी, एक बादशाह घोड़ा उहदे कोल मौजूद सी, आला नसल दा, चंद सारा समान मौजूद सी, रस्ते दे विच पेड़ डाकू, उन्हें सारा कुछ खो लिया। उन्हें आख्या हुण घर किवें जावां, किहड़ा मुंह लैके जावां, कोल शै ही कोई नहीं। लोकां आखना बादशाह दे दरबार विच इंज ही आ गया। उन्हें आख्या बादशाह दे दरबार विच आया ते हुण खड़ी दे बादशाह दा दरबार विच चलीए।
ਹੁਣ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੀਏ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ, ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ, ਤੇ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦੋ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਏ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਿਆਈ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭ ਖੋਲੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਬਰ ਏ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਮੁਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਆਖਣਾ? ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖੁਸ਼ਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਓਈ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਆਂਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਖੁਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਅੰਜ ਆਂਦਾ ਚੰਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਮਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਆਖੋ, ਮੇਰਾ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ। ਮੁਰੀਦਾ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਬੂੜਾ ਜੰਗਲ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੱਬੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓਗੇ, ਹਲਵਾ ਖਾਓਗੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਏ ਦਫ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, 12,000 ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।